गुड मॉर्निंग गाइज, दिस इज डे 3 एट बनारस और अभी बजे सुबह के 9 और अभी हम लोग निकले हैं काशी विश्वनाथ जी के मंदिर के और बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा रश में है। 6 बजे निकलने का प्लान था और हम लोग उठे बहुत लेट। सो फिलहाल अभी हम लोग पैदल चल रहे हैं, पहले हमने टोटो किया था और उसके बाद अभी हम लोग को पैदल चलना पड़ेगा। सो चलते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि इसी के लिए हम लोग आए थे यहाँ पे। सो लेट्स गो एंड हैव द विजिट। यहाँ पे सब कुछ चप्पल और जो सामान है, फोन वोन कुछ आगे अलाउड नहीं है, तो इसीलिए इस दुकान में अभी हम लोग ये सब रख के आगे जा रहे हैं, तो इससे आगे का क्लिप और नहीं मिलेगा। मैं आने के बाद आप लोग को साथ सब कुछ शेयर करूँगा। गाइस, अभी हम लोग निकल चुके हैं काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद और इतना ज़्यादा शोर है कि पता नहीं आप लोग सुन पाओगे या नहीं मेरा वॉइस। तो अभी हम लोग पैदल चल रहे हैं काल भैरव मंदिर की ओर, क्योंकि अगर आप लोग काशी विश्वनाथ आ रहे हो और काल भैरव मंदिर में नहीं जा रहे हो तो आपका जो पूजन है वो ग्रहण नहीं होगा, क्योंकि काल भैरव जी के मंदिर में जाना मतलब ज़रूरी है, क्योंकि वो ही है जो कि मतलब काशी के कोतवाल बोले जाते हैं और वही है प्रोटेक्टर जो कि काशी को प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं। तो अभी हम लोग इसलिए जा रहे हैं काल भैरव जी के मंदिर और काशी के मंदिर से करीब करीब 1.5 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे आप लोग चाहो तो टोटो ऑटो सब कुछ करवा सकते हो, लेकिन उसमें जाने से कोई फ़ायदा है नहीं क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ है कि आप उससे अच्छा पैदल ही चल जाओगे। तो ये है कुछ सीन, मैं आपको दिखा देती हूँ। काल भैरव जी के मंदिर में स्पेशली सरसों का तेल और तुलसी के पत्ते चढ़ाए जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे दुकान थे। हम एक दुकान पे रुके, वहाँ पे हमने अपने चप्पल उतार दी, वहाँ पे रख के फिर भगवान जी को चढ़ाने के लिए तेल फूल पत्ते जो भी सारे सामान चाहिए था हमने वहाँ से लेकर फिर हम लोग लग पड़े लाइन पे। तो लाइन जो था वो बहुत ही लंबा लाइन था, करीब 1 घंटा हमें लाइन में ही सिर्फ ऐसे घूम घूम के जाना पड़ा भगवान के पास। लेकिन कहते हैं ना, अगर मन में भक्ति हो तो आप भगवान के पास ठीक पहुंच ही जाओगे, चाहे जितना ही कष्ट क्यों ना आ जाए। तो लाइन में खड़े होके सब कोई हर हर महादेव के नारे लगा रहे थे और पता नहीं कैसे कैसे हम लोग का 1 घंटा देखते देखते ही बीत गया। काल भैरव जी के दर्शन हो गए हैं और अभी हम लोग निकले हैं। अभी बज रहे दोपहर के 12 और फिलहाल तो थोड़ी बहुत भूख लगी है क्योंकि सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया है और काल भैरव मंदिर में आज बहुत ही ज़्यादा भीड़ है क्योंकि आज मतलब सैटरडे है और सैटरडे को बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे एक छोटे से ठेले में रुके हुए हैं और यहाँ पे आलू के पराठे खा रहे हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो कि बंगाल में बिल्कुल नहीं मिलती, कि यहाँ पे रोड साइड में भी ठेले में ऐसे आलू के पराठे मिल जाते हैं, बंगाल में ऐसे नहीं मिलता है। तो यहाँ पे देख के अच्छा लगा तो हम लोग अभी मंगा चुके हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। खाके निकले हैं अभी हम लोग और गूगल मैप को फॉलो करते हुए पैदल ही चल रहे हैं सिद्धेश्वरी माता के मंदिर की ओर। मतलब हम लोग दूसरे लोगों से पूछ रहे थे, लोकल लोगों से, लेकिन किसी ने भी हम लोगों को ठीक से डायरेक्शन नहीं बता पाए, नहीं पता क्यों। तो इसलिए अभी हम लोग बस गूगल मैप को ही फॉलो करके चल रहे हैं, देखते हैं। ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है अभी, बस 400 मीटर ही दूर है, तो कवर करके देखते हैं कि अल्टीमेटली हम लोग ठीक जगह पर पहुँच पाते हैं या नहीं।
पहुंच चुके हैं सिद्धेश्वरी माता के मंदिर के अंदर, और अभी अंदर से हमने देखा कि कपट जो है वो बंद था, तो अभी वो खुलने वाला है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे जो कुआ है, जिसके मतलब लिए ये जगह इतनी ज़्यादा फेमस है, उस कुएं में एक बार झांक के मैं देखूंगी, क्योंकि यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि अगर आपको अपनी जो छाया है वो पानी में नहीं दिखता है तो इसका मतलब है 6 महीने के अंदर आप जीवित नहीं रहोगे, और अगर आपको दिख जाता है तो इसका मतलब है कि आपकी आयु है। तो मैं तो अभी देखने वाली हूँ अपना, तो आप भी आके यहाँ पे अपना अपना देख लीजिए। सिद्धेश्वरी माता स्वयंभू है, ये चंद्रेश्वर, ये भी स्वयंभू है। सिद्धेश्वरी माता चंद्रेश्वर स्वयंभू है, समझते हो आप? मतलब जैसे इनको स्थापना नहीं की गई, स्वयं कोई इनकी जागृति, जो भी इस समय ऐसा बहुत लाखों से भी ज्यादा वर्ष पुराने मंदिर है, उस समय जो भी होंगे जिन्होंने भी देखा होगा कि यहाँ कुछ है, कुछ शक्तियां हैं, फिर उनको कुछ जागृति हुई होगी, फिर उन्होंने कुछ लाके उस जगह की पूजन किए होंगे, उनकी स्थापना की होगी, ऐसे ये सिद्धिदात्री है। तो ये हुआ इसका, ये स्वयंभू ये हुआ, और चंद्रेश्वर ये भी बाबा भी वैसे हैं स्वयंभू। हाँ, ये सिद्धेश्वर है, ये कलियुगेश्वर है, मतलब माता भी सिद्धेश्वर माता है और ये सिद्धेश्वर, ये भी स्वयंभू है। पूजन यहाँ रोज का पूजन से मॉर्निंग में हो जाता है, 6 बजे से 6 से 7:30 के अंदर तक श्रृंगार आरती, और रात को फिर शयन आरती 10 बजे है। रोज ही इनका श्रृंगार बदला जाता है दूसरे नए नए दूसरे दूसरे वस्त्रों से। और इस कुएं की मतलब जो मान्यता है कि उसमें छाया हाँ, चाहिए हाँ, मतलब वो क्या सच? हाँ, वो सच है। जैसे आपने उसमें दर्शन करने का महत्व, उस कुएं में दर्शन करने के बाद अपना रिफ्लेक्शन देखना चाहिए, और देखना चाहिए और दिखना चाहिए, दोनों ही अनिवार्य है। और तो दिखता है ना, हम लोग तो देखते हैं। अच्छी बात है। बहुत भाग्य से यहाँ दर्शन होता है, जल्दी होता है तो हमने आपको देख लिया, बोलते हैं तो ऐसे रोज के दर्शन यहाँ से रहते हैं। बहुत लोग तो गेट से ही वापस चले जाते हैं, उनको अंदर तक उनका मन ही नहीं करता है आने का, तो बहुत विरल दर्शन लोगों को यहाँ होता है। हम लोगों को पहले नहीं मिल रहा था यहाँ का रास्ता, क्योंकि गलियों में तो अच्छे से मैप भी काम नहीं चलता था, जैसे देख देख के आते थे। फिर लोगों से पूछा भी हमने तो सही से किसी ने रास्ता नहीं बताया, फिर हमने सोचा कि जो भी होगा देखा जाएगा, हम चलते रहे, और फिर चलते चलते माता के पास आ गए। माता ने ही बुलाया अपने पास, ऐसे ही होता है, ऐसे है, लोग ऐसे ही करते हैं। लेकिन आपको अगर कभी कुछ करना है तो आप हमारा नंबर है, आप ले जा सकते हो, अगर आगे कभी नेक्स्ट आपने आया जी, और आप हमारे और भी साथियों को बोलेंगे, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं काशी चाट भंडार की ओर, और हम बस ऐसे ही छोटे छोटे गलियों के बीच से जा रहे हैं, क्योंकि मतलब मेन रोड में जो जैम है वो तो मैंने आप लोगों को दिखाई दिया है, तो इसीलिए चल रहे हैं, लेकिन इसे चला नहीं जा रहा है, बहुत लग रहा है कमर में। जो भी हो चलते हैं महादेव का नाम लेके, कुछ एक्सपीरियंस तो करना पड़ेगा ना, और भूख भी लगी, तो चलिए। तो अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे एक छोटी सी शॉप पे जहाँ पे रबड़ी मिल रहा है, तो सबने बोला कि बनारस में आओ और रबड़ी नहीं ट्राई करो, ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे रबड़ी बहुत फेमस है। तो ये आ चुका है हम लोगों का रबड़ी, तो ट्राई करके देखते हैं कि कैसा लगता है। बहुत अच्छा है।
तो कैसा लगा भैया आपको रबड़ी खा के? लल्लन टॉप कतई जहर, आपको कैसा लगा भैया? हाँ कतई जहर, मस्ट ट्राई गाइस, बनारस आ रहे हो रबड़ी जरूर ट्राई कीजिए। काशी चाट भंडार खुलने में अभी बहुत ज़्यादा लेट होने वाला था और हम बुकरों को लग गया था जोरों की भूख, तो हम लोग यहाँ पे पास में ही एक रेस्टोरेंट में आ गए थे जहाँ पे हमने मंगाया था प्योर वेज थाली, जो कि मतलब लाजवाब था खाने के लिए। गाइस अभी बज रहे दोपहर के 3:30 बजे और हम लोग लौट चुके हैं हमारे रूम पे, हॉस्टल में जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं। और हम लोग सोच रहे थे कि BHU जाएंगे वहाँ पे संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर देखने के लिए, और साथ में वहाँ पे तुलसी मानस मंदिर भी है वहाँ पे, ये सब देखने का प्लान था। लेकिन हम लोग का ना कुछ ट्रांसपोर्ट का समझ में नहीं आया, मतलब हम लोग किसी से पूछ रहे थे तो कोई हमें दूसरी जगह पे दिखा रहा था कि हाँ वहाँ से जाके आप लोग ऑटो कर लीजिए। जब हम उस मतलब उस जगह पे जाके हमें पूछ रहे थे तो वो लोग बोल रहे थे कि नहीं यहाँ से कुछ ऑटो वगैरह नहीं है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था और हम लोग और ज़्यादा चल नहीं पा रहे थे क्योंकि उतने सुबह से हम लोग चलते जा रहे थे तो बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था पैर में। तो इसलिए हम लोग ने क्या किया, सिर्फ टोटो करके अभी हम लोग रिटर्न आ गए अभी हॉस्टल में। तो अभी जो नेक्स्ट प्लान है वो है थोड़ी देर हम लोग रेस्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे घाट की तरफ जहाँ पे जाके हम लोग नौका विहार करेंगे, क्योंकि वो एक बहुत ही अहम चीज़ रह गई है जो अभी तक हमने नहीं किया है। चल के हम लोग का पैर और कमर बहुत ही ज़्यादा दुख रहा था और अभी बज रहे हैं 7:45 बजे और अभी हम लोग निकले हैं क्योंकि अभी हम लोग को देखना है बनारसी साड़ी, गिफ्टिंग के लिए हम लोग लेना चाहते हैं। सो देखते हैं कहाँ पे अच्छा मिलता है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग को ऑथेंटिक मिलता है या नहीं, वो एक बड़ी बात है। मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है सिल्क बनारसी ये सब का क्योंकि मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा पहनती है सिल्क का साड़ी। तो चलते हैं देखते हैं क्या क्या कलेक्शन है और क्या हमें अच्छे प्राइस में बनारसी मिलता है या नहीं, उसे जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना है ज़रूर। तो चलिए चलते हैं दुकान की तरफ। सो
गाइज, वी आर बैक फ्रॉम शॉपिंग और अभी काफी देर हो चुका है ऑलरेडी, तो बहुत देर तक हमने उस शॉप में हमने टाइम बिताया और बहुत कुछ हमने खरीद भी लिया है. और सच में बहुत ही चॉइसेबल जो भी था, साड़ी सूट वगैरह जितना भी सब कुछ था बहुत ही ज्यादा चॉइसेबल था जिस दुकान में हम लोग गए थे. और शॉप का क्लिप आपने ऑलरेडी देख लिया होगा और जो बाकी डिटेल्स है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी इनकेस यू गाइज आर विलिंग टू बाय समथिंग फ्रॉम बनारस. उनका जो बिहेवियर भी था ना बहुत सही था, लेकिन मैं अंदर ज्यादा क्लिप्स वगैरह नहीं ले पाई क्योंकि वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है क्योंकि वो लोग बहुत सारा जो है साड़ी सूट ये सब कंटिन्यूसली दिखा रहे थे. तो उस बीच में मैं खुद जो है चीज़ें देखूँ या फिर आप लोगों को दिखाऊँ ये थोड़ा सा हैपजट हो रहा था. और सो यहाँ पे जो है बहुत कुछ हमने खरीद लिया. ये एक पैकेट है एंड ये दूसरा पैकेट है. तो दैट्स ऑल फॉर द डे और अभी बस डिनर करेंगे और फिर सो जाएंगे जल्दी क्योंकि कल सुबह सुबह हम लोगों को निकलना है. सो या दैट्स ऑल हाउ द डे वेंट. तो मिलते हैं कल के वीडियो में.